हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमबॉय शू गेमिंग। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं फिर से एविलन खेलने, और आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम एविलन का चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। फाइनली ये स्कूल से हम एस्केप करने वाले हैं गाइस, और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को एविलन का स्कूल का एकदम एक एक कोना पता चल चुका है, और आज हमको करना क्या है वो भी मुझे पता चल चुका है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। फटाफट गाइस हेडफोन पहन लो और चलो स्टार्ट करते हैं अपनी गेम प्ले को, और ये स्कूल से फटाफट निकलते हैं और एविलन से छुटकारा पाते हैं। ओके गाइस, और जो भी लोग ये चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग भी हमारे हिमबॉय शू यूट्यूब चैनल का फैमिली मेंबर बन पाए। ओके गाइस, तो वही चीज़ हमारा स्टार्ट हो चुका है। अपने को लास्ट एपिसोड में हमको मार्क्स पीस मिल चुका था, मार्क्स पीस पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने, और एक सीक्रेट डोर ओपन हुआ था जहाँ से हमने वो एग्जिट करना है, लेकिन हमको अकेले एग्जिट नहीं करना है। ये स्कूल में बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनको एविलन ने पकड़ के रखा है, तो उनके साथ अपने को एग्जिट होना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले इसको एक्टिव करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे आके अपने को पहले ग्रिल लगानी पड़ेगी, और ग्रिल हमेशा की तरह कहीं भी जाके छुप चुकी है, और अपने को ढूंढना है उसको और ढूंढ के वापस लगाना है। तो फटाफट जाते हैं और उसको ढूंढ के लेकर आते हैं। अभी एविलन ने देख लिया है, ये नानी जी ने देख लिया, अभी आएगी पीछे पीछे, ये पीछा नहीं छोड़ती है हमारा। तो फटाफट इससे पीछे छुड़ाते हैं, ग्रिल ढूंढते हैं फटाफट से। A few moments later. ओके गाइस, तो मैं ग्रिल ढूंढते ढूंढते ऊपर आ चुका हूँ, और ग्रिल अभी तक अपने को मिली नहीं है। स्मॉल केबल अपने को मिल चुका है, स्मॉल केबल फटाफट जाके अपने लगा देते हैं ताकि एक्स्ट्रा लॉक्स अपने अनलॉक हो जाए और अपने को ईजी रहे। तो फटाफट नीचे जाते हैं और वो बटन दबा के सारे डोर ओपन कर देते हैं, और ग्रिल अभी तक तो हमने को मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा वो, अब नीचे ही होगा, मेरे को नीचे से ही उम्मीद है ग्रिल की। तो ओके गाइस, हमने सारे डोर ओपन कर दिए हैं, अब ग्रिल देखते हैं। ग्रिल मेरे को लग रहा है ये रूम में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आजकल यहाँ इसी रूम में अपने को ग्रिल मिलता है, साउंड करेगा तो मिल जाएगा। ओके, मिल चुका है अपने को ग्रिल। फटाफट जाके अपने वो एक्टिव करते हैं अपने मार्क्स को, और फटाफट जाते हैं और बाकी बच्चों को बचा के निकलते हैं। मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, फिर भी देखते क्या होता है। ठीक है ठीक है, फटाफट निकलते हैं। ये साउंड हो चुका है, मतलब नानी जी यहाँ पे आएगी और अपने यहाँ से फटाफट निकल जाएंगे। और ये मार्क्स का यूज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या यूज़ है मार्क्स का। तो फटाफट सबसे पहले अपने मार्क्स एक्टिव कर देते हैं फिर से, ताकि ये एक्स्ट्रा डोर जो होगा, जो साइड में से निकलेगा, वो ओपन हो जाए। और मेरे को देखना है, मेरे को जल्दी देखना है कि वहाँ ऐसा क्या है, वो सीक्रेट डोर के पीछे ऐसा क्या है जो अपने ये इतना अपने मार्क्स कलेक्ट करना पड़ा। ऐसा क्या है वो डोर के पीछे कि हमको छः या पाँच दिन अपने को बिगाड़ने के बाद ये पूरा मार्क्स पीस कंप्लीट हुआ है गाइस। तो फटाफट इसको लेते और इसके अंदर जाते अपने, पता नहीं क्या हो सकता है यहाँ पे। ओके, ये मार्क्स अपने ने पहन लिया है गाइस, और अपने इसके अंदर जाते देखते हैं क्या है। ओके, तो देखा गाइस, यहाँ पे बच्चे थे, मेरे को पता ही था कि यहाँ पे बच्चे ही होंगे, और तो कोई हो नहीं सकता है। तो फटाफट ज़्यादा सब रूम में नहीं है, एक ही बच्चा वहाँ पे मेरे को सोता हुआ दिखा, बाकी देखते कितने बच्चे हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो बहुत बच्चे हैं, यहाँ एक बच्चे को नहीं पकड़ के रखा है, यहाँ तो दस या बारह बच्चे हैं यहाँ पे, और सबको हिप्नोटाइज किया हुआ है। देखो गाइस, सबने वही सेम मास्क पहन रखा है जो हमने पहन रखा है। तो अपने को एविलन को ऐसा बताना है कि अपने हिप्नोटाइज है, लेकिन अपने हिप्नोटाइज नहीं है। अपने को इन लोगों को बच्चों बचा के यहाँ से लेके जाना है, और इन लोगों को एस्केप कराना है। अब इन लोगों को कैसे एस्केप कराने हैं वो तो मेरे को नहीं पता, सब बच्चे काम में लगे हुए हैं। ओके, और किसी चीज़ की साउंड आई है इन्हें यहाँ। ओके, ये नीचे आ चुकी है, लेकिन ये अपने को कुछ करेगी नहीं, क्यों? क्योंकि अपने ने मार्क्स पहन रखा है, इसलिए ये अपने को ढूंढ रही है, लेकिन इसको मार्क्स के पीछे पता नहीं चल रहा है, इसको लग रहा है कि सारे बच्चे हिप्नोटाइज है। ओके, यहाँ पे अपने को सिलेंडर मिल चुका है,
सिलेंडर मिल चुका है। चलो गाइस, अब सिलेंडर का यूज़ आई थिंक पता नहीं क्या करना है। इस सिलेंडर का कहाँ यूज़ होगा? ओके, ये डोर है, ठीक है, वो यहाँ से आई थी, लॉन्ड्री डोर। ओके, ये वो वाला डोर है जो गाइस अपने का डोर ओपन नहीं होता था, ये अंदर से अपने को ओपन करना पड़ेगा पासवर्ड डाल के। और अपने को पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? ओके, यहाँ पे एक डोर है, इसके अंदर क्या है? ओके, यहाँ पे एक बच्ची जो रो रही है, इसको, ओहो, ये थोड़ी थोड़ा लगता है इसका माइंड डिस्टर्ब है, या तो एविलन ने इसको मारा है इतना है कि इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, क्योंकि ये बच्ची बेचारी, इसको लगता है बहुत मारा है एविलन ने। और ये जा कहाँ रही है? अपने इसको धक्का लगा रहे हैं ना, तभी ये चल रही है। मतलब एविलन ने इसकी हालत बहुत खराब कर रखी है गाइस अभी। ओके, इसके लिए मेरे को डोर ओपन करना पड़ेगा। ले जा, अंदर जा, बैठ, तू आराम कर, ठीक है? ओके ओके, ये बच्ची को पासवर्ड पता था, 8488। ओके, वो बच्ची को पासवर्ड पता था डोर का, क्या बात है, भले उसका दिमाग है लेकिन उसको पासवर्ड पता था। तो फटाफट पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे, 8, अरे दब जा, हाँ 8 4 और 88, 88। ओके, अभी ओपन हो जाना चाहिए। ओके गाइस, अपना ये डोर ओपन हो चुका है, तो ये अपने को इजी रहेगा यहाँ से निकलने में। तो फटाफट ये अपने को एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया, ये अपने बाहर, इधर से अपने डायरेक्ट बाहर जाएंगे। ओके, और वो ऊपर से आना जाए, यहाँ अपने को अपने बंच ऑफ की मिल गया, बंच ऑफ की अपने ऊपर जाके सारे डोर ओपन कर देंगे, ताकि अपने को और इजी रहे सब कुछ ढूंढने में। अभी इन बच्चों को मेरे को बाहर निकालना है, कैसे निकालना है? चलो ये डोर भी ओपन, और ये लो, इसने देख लिया अपने को। मेरे को फटाफट नीचे जाके छुपना पड़ेगा ताकि ये पीछे ना आ जाए। ये डोर करता हूँ मैं बंद फटाफट, और यहाँ से निकलते हैं नीचे। अब नीचे मेरे को देखना है कि यहाँ क्या है, यहाँ पे और तो कुछ, ये इधर तो और तो कुछ नहीं है, बच्ची थी बैठी हुई जिसने अपने को पासवर्ड बताया। मतलब हर बच्चा कुछ ना कुछ अपने को बताएगा तो नहीं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब ये बच्चा आइनिंग कर रहा है, कोई ना, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई सामान उठा के इधर से उधर रख रहा है। बेचारे बच्चों की हालत खराब कर रखी है, हिप्नोटाइज कर रखा है पूरी तरह। तो अभी अपने को क्या करना चाहिए यहाँ पे? मुझे ये करना क्या, मेरे को ऊपर जाके है ना, ये सिलेंडर का कुछ यूज़ है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उसका भी थोड़ा देखते हैं कैसे अपने को एस्केप करना है बच्चों के साथ। मेरे को खाली इतना हिंट मिला है कि बच्चों के साथ एस्केप करना है, अब करना कैसे वो नहीं पता। ओके, यहाँ डोर बेल, इफ यू कट दिस वायर द बेल विल बी स्टॉप वर्किंग। ओके, अपने को, हाँ मैं समझ गया क्या करना है। वो जो एक नन आती है, एक एविल नन तो नहीं बोल सकते, नन टाइप आती है, वो आती है तो यहाँ पे वॉश, मतलब इंतजार करती है एविल नन का। तो यहाँ एक सेकेंड, बिफोर कंटिन्यू मेक श्योर द वैन इज इन साइड द स्कूल एंड डेट द ड्राइविंग नन इज नॉट। ओके, यहाँ पे अपने को कुछ करना है, जो नन आएगी, ड्राइविंग नन इज नॉट गोइंग टू ड्राइव अगेन। ओके, मैं समझ गया क्या करना है, अब मेरे को पूरी चीज़ समझ में आ चुकी है। यहाँ पे जो बैल है, वो बैल अपने को कट करनी है, ताकि जो वो जो नन आती है, जो यहाँ पे बैठ के सोती है, वो दोबारा उठ ना पाए और गाड़ी लेके वापस निकल ना पाए। मेरे को इतनी चीज़ तो समझ आ गई है, ठीक है गाइस। तो फटाफट अपने को सीजर ढूंढनी पड़ेगी, सीजर से अपने उसको कट करेंगे वायर को, वायर कट होगी तो वो जो नन है वो बाहर वापस, मतलब नन, अपनी जो एविल नन है वो नीचे नहीं जाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी तो वो सोती रहेगी, ठीक है? जो नीचे वाली नन होगी वो सोती रहेगी, और अपनी एविल नन नीचे नहीं आएगी वो बैल की रिंग से, क्योंकि अपने उसको कट कर देंगे, ठीक है? मेरे को इतना समझ आ गया। और उसकी वैन का कुछ यूज़ है जो अपने को बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले इतना काम करते हैं, अपने पहले सीजर ढूंढ लेते हैं। सीजर ढूंढने के बाद वो जो नन आए उसको आने के बाद अपने को वायर कट करनी है, इतना ध्यान रखना है गाइस। तो फटाफट इतना काम करते हैं, सीजर ढूंढते हैं, सीजर कहाँ मिल सकती है अपने को? सीजर, सीजर, ओके, लॉकर कोड मिल गया है, और मुझे पक्का पता है कि इसी के अंदर सीजर होगी, और तो कहीं नहीं मिल सकता सीजर, क्योंकि सारे एपिसोड में लॉकर कोड के अंदर ही मेरे को सीजर मिली है, तो इसके अंदर ही सीजर होगी, और मेरे को किसी ने देख लिया है। ओके, वो ऊपर थी शायद से,
या तो नीचे ही थी, पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन वो है कहीं ना कहीं। फटाफट इसको ओपन करते हैं, सीजर लेते हैं, और वो जाके अपने उसको वो ना ना जाए, उसके बाद अपने कट कर देंगे। ओके गाइस, तो साउंड हो चुका है, वो इधर से ही आ रही है। फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने को। यहाँ से निकलते हैं और नीचे जाके वो कट कर देते हैं, अपने पहले ही कट कर देते ना, इसमें क्या। ओके वो आके बैठी हुई है, ठीक है, वो आके यहाँ पे सोएगी, तो अपने फटाफट वो कट कर देंगे। ये मैं बंद कर दूँ डोर ताकि वो मेरे को देख ना पाए, ठीक है। अब नन यहाँ ना आ जाए, अब वो जब तक सोएगी नहीं, मेरे को सुनना पड़ेगी उसकी आवाज़ ध्यान से। ओके वो सो गई है, फटाफट जाके मैं वो कट कर देता हूँ, ठीक है। ये कट कर, ओके गाइस हमने कट कर दिया है, ठीक है। अब शायद से अपने को उससे जाके बात करनी है, क्योंकि उसने बोला था कि गाड़ी अंदर आ चुकी है, उसके बाद वापस नहीं जानी चाहिए। तो फटाफट अपने इससे बात करते हैं। यू आर रेडी कम, ओके कम इन, ठीक है, अपने को अंदर बुला रहा है। ओके ये कोई बंदा है इसके अंदर, मिस्टेरियस बॉय मैन। ओके यू आर रियली हियर, इट्स हैज़ टू बीन अ लॉन्ग वे एंड यू हैव पास्ड ऑल द चैलेंजेस आई प्रिपेयर फॉर यू। इसने कुछ अपने लिए कुछ प्रिपेयर किया है। अब क्या प्रिपेयर किया है भाई तूने, इससे बात ही करनी हुई। इट्स टाइम टू सेव ऑल द चिल्ड्रंस फॉर द लॉन्ड्री, आई होप यू आर रेडी। हाँ मैं रेडी हूँ यार। टेक ब्लू प्रिंट फ्रॉम द टेबल एंड गिव देम टू चाइल्ड। ओके कोई टाइप का ब्लू प्रिंट है, द चाइल्ड विल नो। ओके एक बच्चा है, जो उन बच्चों में से एक बच्चा है जिसको ये जाके अपने को ब्लू प्रिंट देना है, और ये ब्लू प्रिंट देंगे तो वो बलून, कुछ बलून टाइप है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। तो बस मेरे को जाके वो बच्चे को ये पकड़ाना है ब्लू प्रिंट। ओके अब अपने इसकी पावर भी यूज कर सकते हैं मार्क्स की। ओके अपने डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो रहे हैं एक टाइप से। तो अब तो एविल नन को तो मैं, ये नानी जी को तो ऐसा मजा चखाऊंगा ना, अब तो अपने ऐसे भगा भगा के मारेंगे ना। मार तो नहीं सकते, मतलब भगा ही सकते हैं अपने एविल नन को, तो बहुत मजा आएगी गाइस। तो अब मेरे को एक जगह जानी है, मेरे को पता है कहाँ जाना है। ये जगह मेरे को कब से दिख रही है लेकिन मेरे को पता नहीं था, और ये बच्चा इसके अंदर क्राफ्टर। ओके ये बच्चे को अपने ने दे दिया है ब्लू प्रिंट, अब ये इसको करना क्या है, अब ये खुद ही कर लेगा शायद से, अपने को तो अब कुछ नहीं करना ना। ओके वो बच्चा कहाँ गया, ओके ठीक है बाहर, ये क्या कर रहा है। ओके ये शायद से सबका हेड है, शायद से ये बॉय जो है, ये बच्चा है, ये सबका हेड है। अब मेरे को ऊपर जाके खाली है ना एविल नन का ध्यान बटाना है, ताकि वो इन बच्चों को ना मार पाए। जब तक ये बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तब तक मेरे को जाके ऊपर जाके फटाफट जाके है ना मेरे को एविल नन का ध्यान बटाना है, ताकि वो नीचे ना जाए और बच्चों को ना मार पाए। अब मेरे को कैसे करके भी यहाँ पे एविल नन का ध्यान घुमाना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ होगा। ओके ये शीशे में साउंड करता हूँ, ताकि एविल नन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, बच्चों की साइड नीचे ना जाए बस। ये तो बेचारे बच्चे, ओके मिल गई, नहीं तो ये बेचारे बच्चों को मार देगी बस अगर इसने देख लिया तो। फटाफट इसको थोड़ा मैं परेशान करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। एक काम करता हूँ, तू ऊपर आ जा, तू नीचे मत जा, तू ऊपर आ जा, फटाफट ऊपर आ जा, बस ये ऊपर आएगी बस अपने लिए अच्छा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऊपर आ रही है, लेकिन वो इधर आएगी कि नहीं आएगी, अब मेरे को वेट करना पड़ेगा। ये आ रही है कि आई 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 आई, आ गई आ गई, ठीक है ये आ चुकी है ऊपर। अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैंने अभी ये चीज़ें भी नहीं हटाया, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया इसका क्या यूज़ है, एक्सटिंग्विशर का, इससे साउंड होता है और ये अट्रैक्ट होती है, ठीक है। यहाँ से, अरे यार मैं तो फंस गया बुरी तरह, मैं फंस गया यार, वो डोर ओपन, वहां से रास्ता नहीं बना यार, शिट। अब वो बच्चे निकल रहे थे, अब वो बच्चे निकल गए हूँ बस, इसने मेरे को मार तो दिया, अब वो बच्चे निकल गए हूँ बस। बच्चे नहीं निकले होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस, मैं गलत मरा यार, मैं भी उसको भगाने के चक्कर में मैं खुद फंस गया यार, शेट। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि वो बच्चे निकल गए कि नहीं निकल गए, फटाफट नीचे जाके मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है ओके, सारे बच्चे निकल चुके हैं,
और ये गाड़ी इधर लाके इसने लगा दी, क्या बात है क्या बात है। ये तो ड्राइवर हैवी निकला, हैवी ड्राइवर निकला। अब बस मेरे को शायद से वो एक जो छोटी बच्ची है जो थोड़ा उसका माइंड डिस्टर्ब है, जिसको एविल नन ने जिस बच्चे को मार के रखा है, मतलब पीटा है बहुत, तो उसको मेरे को सेव करना पड़ेगा। और अपने यहाँ से नहीं जा सकते गाइस, ये डोर क्लोज है, अपने को नीचे से ही जाना पड़ेगा। नीचे से जाके तब वो डोर ओपन होगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ होगा, मेरा मार्क्स भी यहीं गिर गया था ना, मैं इसी को लेने आया था। ठीक है, अब फटाफट अपने वो रूम में जाते हैं, वहाँ से पीछे वाले रास्ते से नीचे जाते हैं। और इसने देख लिया, ये नहीं छोड़ेगी पीछा, ये सही में पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तू आ जाले, बस मेरे को वैसे भी नीचे आना चाहिए, मैं वहाँ से आता या तो यहाँ से आता। तो इधर से डोर क्लोज करता हूँ ताकि नीचे ना जा पाए, और अपने जाते पीछे वाले रास्ते से निकल के वो बच्ची जो है उसको लेके जाना है अपने को, कुछ भी करके। तो जैसे साउंड ना हो, मैं चुपचाप, साउंड तो हो ही गया, साउंड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ठीक है, ओके गाइस, अब फटाफट अपने नीचे पहुँचते हैं। नीचे जाके वो बच्चे को सेव करते हैं, उसको लेके जाते हैं। थोड़ा वो थोड़ा टाइम लगाएगी ऊपर जाने में, लेकिन तब तक नन ना आए, बस मैं इतना चाहता हूँ। ठीक है, वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा है कहाँ, बच्चा है तो बच्ची पता नहीं कहाँ है, वो इधर ही तो थी, इधर ही तो सो रही थी। ओके, ये इधर बैठी है यार, ये अभी भी रो रही है। चल 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 चल, फटाफट चल यहाँ से निकलते हैं, फटाफट चल चल चल। अब इसको मैं धक्का मारते हुए लेके जाऊँ। अच्छा, मेरे को पता चल गया है कि क्या यूज़ का है वो सिलेंडर का। ये पूरा गोल क्यों घूम रही है, डायरेक्ट नहीं जा सकती थी यार। शेट यार, बेटा चल फटाफट। ओके गाइस, टेलीपोर्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ शायद से, ये मेरे साथ नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये मेरे साथ नहीं आएगी। अरे यार मत रुक मत रुक, वो आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो सिलेंडर का मेरे को यूज़ पता चल चुका है, कि उसको अपने बलून एस्केप करेंगे, उसमें सिलेंडर लगेगा। पासवर्ड डाला हुआ है, फटाफट डोर खोल, फटाफट चल यार, रुकना मत प्लीज़, तू रुक गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी वाली। फटाफट फटाफट जल्दी निकलो। ठीक है, अभी तक आई नहीं है, मैं डोर क्लोज कर दूँ कि नहीं, चलेगा कोई बात नहीं, वो आने वाली तो नहीं है। ओके, नहीं आई है, वो पीछे तो नहीं है। फटाफट चल यार, ये क्यों रुक रही है यार, चलना जल्दी, चल जल्दी, ज़्यादा दूर नहीं है। और इसने गाड़ी बीच में खड़ी कर दी, निकलूँगा कैसे मैं, ये पागल है क्या, ये लंगड़ा पागल हो गया है, मैं निकलूँगा कैसे और इसको कैसे निकालूंगा। चलो मैं तो टेलीपोर्ट होके वो साइड चला जाऊँगा, इसको कैसे लेके जाऊँ मैं। अब भाई गाड़ी हटा, अरे भाई साहब गाड़ी हटाओ, हेलो हेलो गाड़ी तो हटा दो। अरे यार अभी वो आ जाएगी पीछे, अरे भाई गाड़ी हटा दे, ये कहाँ चला गया। मैं ड्राइव का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो मैं हटा दूँ यहाँ से। और वो अरे वो शायद से उधर फंस गया है, वो बलून के ऊपर फंस गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को वो साइड जाना पड़ेगा, वो साइड जाके मेरे को देखना पड़ेगा। ये कौन चिल्ला रहा है, ये शायद से नन आ गई। ये रो कौन रहा है यार। और ये देखो, ये महान सर जी ग्लिच मेरे साथ, कहीं भी एक भी ऐसी गेम है जिसमें मेरे साथ ग्लिच ना हो। ये एविल नन में भी ग्लिच होना ही था। लो फंस गया ये लंगड़ा तो बलून में, पैर, एक पैर तो है नहीं, दूसरा पैर भी फंसा दिया यार। अरे भाई अब क्या करूं मैं, मेरे को फिर से मरना पड़ेगा क्या। अब वो शायद से उधर नन भी आ चुकी है, इसलिए वो बच्ची रो रही है। हाँ वो तभी रो रही है, और मुझे वो साइड जाना ही पड़ेगा। वो रही, वो आ गई। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, मैं गलत टेलीपोर्ट हो गया यार गाइस। अरे यार दूसरा दिन भी गया, लास्ट डे। शेट यार शेट, वो बच्चे को मारने वाली थी वो, अच्छा है मैंने जान बचाई शायद से, वो उधर ही ना हो, वो नन उधर ना हो, वो अभी भी रो रही है, वो बच्ची अभी भी रो रही है। अरे यार ये नन ने गलत देख लिया, मेरे को मेरा मार्क्स भी वहीं पड़ा हुआ है, मैं मार्क्स कैसे उठाऊंगा अपना, अगर नन उधर हुई तो मैं अपना मार्क्स कैसे उठाऊंगा। अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई है,
मुझे ना अब कुछ सोचना पड़ेगा, मैं क्या करूं। मेरे को सबसे पहले क्रोबार लेके आता हूँ, क्रोबार मिल जाएगा ना तो क्रोबार से मैं अपने वो सिलेंडर अपना वहां से निकाल सकता हूँ। और क्रोबार तो शायद से यहाँ नहीं है, और वो क्रोबार कहाँ मिलेगा यार। क्रोबार शायद से अपने को ऊपर मिल जाएगा, किचन में मिल जाएगा तो इजी रहेगा अपने को, फटाफट जाके क्रोबार ले लेंगे। यहाँ पे भी नहीं है तो अब तो वो ऊपर ही होगा किचन में, किचन के अलावा और तो कहीं नहीं हो सकता क्रोबार। तो फटाफट अपने क्रोबार उठाते हैं, क्रोबार उठा के फटाफट जाके वो बलून का खोल देते अपने। ठीक है, क्रोबार मिल चुका है गाइस। ओके फाइनली, फटाफट पहुँचते अपने रूम में नीचे। A few moments later. ओके गाइस, अपने रूम में आ चुके हैं। ये रूम में आके फटाफट अपने वो बॉल अपने सिलेंडर निकाल लेते। कहाँ गया ये सिलेंडर, कहाँ था? ओके सिलेंडर मिल चुके हैं, सिलेंडर फटाफट निकालते हैं यहाँ से। लेकिन साउंड मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे ना आ जाए। ओके सिलेंडर मिल चुके हैं, दो सिलेंडर है यार। बहुत तेज़ आवाज़ किया इसने, अब वो नन इधर ना आ जाए, नहीं तो मेरा मुंह तोड़ देगी यार, बहुत ख़राब वाला। फटाफट यहाँ से निकलूँ मैं, वो अगर इधर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ठीक है, वो इधर, वो उधर ही है, वो इधर उधर ही है। अरे यार वो गाड़ी तो हट गई है, बस मेरे को बच्चे को धक्का मारना है। अब ये इधर आ रही है, अब मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? अरे यार अब फटाफट मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। निकल 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 निकल, निकल। ओके, मैं ऊपर क्यों आ गया यार, मैं ऊपर क्यों आ गया? ठीक है, मेरे को इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। लेकिन नहीं, ये ऊपर नहीं आ रही है, ये फिर से चली गई। वो बच्चा रो रहा है ना, वो बच्ची रो रही है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। अरे यार अब क्या करूँ, मेरे को फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। फटाफट निकल 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 निकल। ओ भाई ये बहुत चिल्लाती है, ये चिल्लाती है तो प्रॉब्लम होती है। आ जा आ जा आ जा, जा फटाफट आ जा। ये नहीं आएगी, ये मेरे को लग रहा नहीं आएगी, ये नहीं आएगी यार, ये नहीं आएगी वापस, नहीं आएगी यार। ये वो रो रहे हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। एक काम करता हूँ, ऊपर जो मछली है ना वो जाके मैं उसको आवाज़ करता हूँ ताकि ये ऊपर चली जाए। ये ऊपर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा ना यार अपने लिए गाइस। तो वो फिश आवाज़ करेगी, बस 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 यही चाहिए था अपने को, यही चाहिए था। ये अब साउंड करेगी, वो ऊपर आ जाएगी ना, बस शांति रहेगी। लेकिन इसको आ गई, ठीक है, इसको आवाज़ पहुंच चुकी है गाइस, इसको आवाज़ पहुंच चुकी है, ये पीछे आ चुकी है। ठीक है, ये मछली बहुत अट्रैक्टिव है, ये मेरे लिए बहुत इजी है। ठीक है, ये काम अच्छा हुआ मेरे दिमाग में पहले आ गया है फिश वाला। मैं तो भूल ही गया था कि फिश होगी तो अपने आसानी रहेगी, मेरे को पहले ही कर देना चाहिए था गाइस, लेकिन याद ही नहीं आया अपने को। अब अपने को छुटकारा मिल चुका है एविल नन से, अच्छा वाला। तो फटाफट अपने यहाँ से निकलते हैं। ये लंगड़े ने बहुत जल्दी गाड़ी हटा दिया, अब मैं अपना मास्क उठा लूँ फटाफट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल तू रो मत रो मत, अंदर चल तू, गाड़ी लगा भाई, गाड़ी फिर से लगा दे। अब इसको भी ऑर्डर देना पड़ेगा मेरे को, ये गाड़ी लगाएगा। चलो चलो चलो, ओके उसने गाड़ी लगा दी है फिर से। अब मैं फटाफट सिलेंडर लगा देता हूँ, अब मेरे को दोनों सिलेंडर लाके यहाँ पे फटाफट लगाने पड़ेंगे ताकि अपने यहाँ से निकल जाए। और ये बच्चे तो बहुत जोरदार है यार, इन्होंने फटाफट बलून रेडी कर दिया यार। ये सारे बच्चों को बहुत वो जोरदार दिमाग है। ये अभी भी क्यों रो रही है यार? मैं फटाफट टेलीपोर्ट होके निकलता हूँ, लेकिन टेलीपोर्ट उसके मार्क्स मार्क्स की पावर भी तो जा रही है, ये बाद में यूज़ करूँगा, अभी फटाफट वैसे ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा सिलेंडर भी अपने ले लिया है गाइस, ले लिया है गाइस। ओके फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी जाके लगा देता हूँ। और फाइनली गाइस अपने एस्केप हो चुके हैं, वो भी बलून एस्केप हो चुके हैं, और अपने को एविलन से छुटकारा मिल चुका है लगभग पूरी तरह। ठीक है, ये कहाँ घुस गया भाई मैं आके, ये कहाँ आ गया, ये तो फंस ही गया हूँ मैं भाई, मेरे को लगा फंस गया फिर से, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फटाफट दूसरा सिलेंडर भी लगाओ, और अभी फायर चाहिए शायद से अपने को, है ना? हाँ यू नीड द, हाँ पता ही था मुझे, पता ही था।
इसमें आग लगानी है और मुझे पता है आग कहाँ से लगेगी गाइस। तो फटाफट जाते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को, टेलीपोर्ट होते होते फटाफट निकलते हैं। और मेरे को पता है गाइस, मेरे को पता है गाइस कि आग कहाँ से मिलेगी। आप लोगों को पता है तो बताओ मुझे। आप लोगों को शायद से पता होगा जो एविलन का, जो जिसमें वो शैतान की पूजा करती है, यहाँ पे लकड़ियाँ हैं। और ये रही आग, इसके अभी तक तो लग गई होगी आग, ठीक है लग गई है। ये बुझने से पहले फटाफट अपने को पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे, अगर ये बुझ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी अपने को। ठीक है गाइस, तो फटाफट फटाफट चलते हैं, टेलीपोर्ट होके निकलते हैं। अभी टेलीपोर्ट होके निकलेंगे तो सही रहेगा। अरे यार फटाफट, ओके अपने ये बुझने वाली है, ये बुझने वाली है, मेरे को जल्दी पहुँचना पड़ेगा, जल्दी पहुँचना पड़ेगा, जल्दी पहुँचना पड़ेगा। ओके 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 ओके, अरे यार लग जा। ओके गाइस लग चुकी है आग और अपना बलून फूल चुका है, और फाइनली हम यहाँ से एस्केप हो चुके हैं। और सब में आग भी लग गई है यार। गाइस अभी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पूरी जगह पे आग लग गई थी। अभी ये बच्चे को मेरे को लेके जाना पड़ेगा धक्का मारते हुए। चल बे फटाफट फटाफट चल फटाफट। और अपने मास्क की पावर भी ख़त्म हो चुकी है गाइस लगभग, लेकिन अब अपने को कोई यूज़ नहीं है। तो फटाफट अपने यहाँ से एस्केप करते हैं और चैप्टर वन क्लोज करते हैं, चैप्टर वन का चैप्टर क्लोज करते हैं अपने। फाइनली कितना टाइम हो चुका था ये खेलते खेलते, और आज अपने ने फाइनली ये एस्केप कर लिया है, तो ये भी फाइनली हो चुका है फटाफट। अरे यार ये बच्ची जा क्यों नहीं रही है, मैं बलून को देख रहा हूँ। ओके ये बच्चे अटक क्यों गए हैं यार, ये जा क्यों नहीं रहे। अरे जाओ भाई, सबको धक्का मारना पड़ेगा। अच्छा डोर ही ओपन नहीं है, वाह वाह भाई, ये काम भी मेरे को करना है। वैसे इतने स्मार्ट है, इन्होंने इतना बलून बना लिया, इनको डोर ओपन करने ही नहीं आ रहा है। ठीक है जाओ 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 फटाफट, सब चले गए ना। चलो भाई, अच्छा ये गिन रहा है। हाँ तो सब तो चले गए बाहर, कौन है ये, गिन किसको रहा है। ठीक है आ जाओ भाई, और कौन है, किसी से बात करनी है क्या मुझे। अरे कैसे क्या करना है अब चलो यार। ओके ओके आ चुके हैं, ठीक है। ओके ओके एस्केप फ्रॉम स्कूल जी। ओके लो गाइस फाइनली हम एस्केप हो चुके हैं, और इसका मुंह तो बस बत्ती सी दिख रही है, इसकी हालत ख़राब हो चुकी है कि हमने एस्केप कर लिया है ये हाउस से। ये अब कहाँ जा रही है, पिंक रूम में क्यों जा रही है, और उधर हिम्बो इशू लिखा है गाइस डोर पे। वाह भाई वाह, फाइनली गाइस अपने ने एस्केप कर लिया है एविलन, और अपना नाम भी मिट चुका है यहाँ से। ये रही वो बच्ची जो थोड़ा जिसका माइंड खराब था। वाओ फाइनली चैप्टर वन हमने ख़त्म कर दिया है गाइस, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।